जनपद कानपुर देहात पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब अवैध शराब की तस्करी का कारोबार करने वाले दो तस्कर भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गए। साथ ही पुलिस ने शराब की तस्करी में प्रयोग किए गए जाने वाले वाहन को भी बरामद कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों शराब तस्करों और तस्करी में प्रयोग वाहन को देखकर सभी के होश उड़ गए। शराब तस्करों ने शराब तस्करी करने का नया तरीका निकाला। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम की इस बड़ी कामयाबी को लेकर जहां एक और पुलिस टीम की प्रशंसा की तो वहीं पुरस्कार के तौर पर उन्हें 15,000 रुपए से पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया। अवैध शराब के निर्माण और उसके अवैध परिवहन के विरुद्ध जनपद पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत मोटानगर की पुलिस टीम ने एसटीएफ के इनपुट के आधार पर दो अभियुक्तों को पकड़ा जो एक पिकअप में भारी मात्रा में शराब का परिवहन कर रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों के पास से जो बरामद शराब है उसमें 750 ml की 336 बोतलें और 180 ml की 87 पेटियां यानी कि लगभग 4,000 से अधिक बोतलें उसमें मौजूद थी। तो यह एक भारी बरामदगी है। दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनका आपराधिक इतिहास भी है, पूर्व में भी शराब तस्करी में और अन्य अपराधों में जेल गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।